नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 3 नवंबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने निकाली 142 पदों पर रिक्तियां। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने अकाउंट्स असिस्टेंट, मार्केटिंग असिस्टेंट और प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट के 142 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अकाउंट असिस्टेंट के पद के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीकॉम की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही मार्केटिंग असिस्टेंट के लिए अभ्यर्थियों के पास मार्केटिंग की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जबकि प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट के लिए उम्मीदवारों के पास साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में डिग्री होना अनिवार्य है। 2 साल के एक्सपीरियंस को वरीयता भी दी जाएगी। आज होगी दूसरे चरण की वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण की वोटिंग मंगलवार यानी कि आज होने वाली है। दूसरे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में प्रचार प्रसार पहले ही रोक दिया गया। अंतिम दिन चुनाव प्रचार में सभी दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 94 सीटों पर मतदान होने हैं, जिनमें कई दिग्गज नेताओं के चुनावी जीवन का फैसला होने वाला है, जिसमें पटना साहिब से पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, सहकारिता मंत्री रणधीर सिंह, नालंदा से ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राघोपुर से पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, हसनपुर से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव, बांकीपुर से फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा सहित कई चुनावी मैदान में हैं। इस चरण में कुल मिलाकर 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। इनमें से 1316 पुरुष, 146 महिला और एक लगभग थर्ड जेंडर शामिल है। दूसरे चरण में लगभग 2,85,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। वैशाली के विश्व शांति स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। विश्व शांति स्तूप जापानी सरकार के सहयोग से बौद्ध विहार समाज द्वारा बनाया गया एक 125 फीट लंबा शिवालय 1969 में खुदाई किया गया था। यह वास्तव में विशाल सफेद सुंदर स्तूप है, जो विशाल हरियाली, शांति और एक तालाब से घिरा हुआ है। विशाल शांति स्तूप के ठीक बगल में अभिषेक पुष्करणी को राज्याभिषेक टैंक के रूप में जाना जाता है और लुच्छवियों के समय इस टैंक के पवित्र जल का उपयोग निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनकी प्रतिज्ञा से पहले अभिषेक के लिए किया जाता था। अब जब आप अपने आसपास घूमते हैं तो आपको उत्तरी तट पर एक संग्रहालय मिलेगा, जो खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियों को घर में रखता है। उन्हें 4 दीर्घायु में विभाजित किया गया है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,18,000 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि हर दिन मामलों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 577 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर बिहार में 2,18,118 पर पहुंच गई है। जिसके बाद प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 14, अरवल में 6, औरंगाबाद में 29, बांका में 5, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 15, भोजपुर में 9, बक्सर में 4, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 6, गया में 31, गोपालगंज में 5, जमुई में 1, जहानाबाद में 18, कैमूर में 5, कटिहार में 4, खगड़िया में 3, किशनगंज में 25, लखीसराय में 15, मधेपुरा में 6, मधुबनी में 7, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर में 20, नालंदा में 16, नवादा में 5, पटना में 166, पूर्णिया में 66, रोहतास में 4, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 15, सारण में 11, शेखपुरा में 8, सीतामढ़ी में 4, सिवान में 10, सुपौल में 11, वैशाली में 14, पश्चिम चंपारण में 4 मामले सामने आए हैं। वहीं अब बिहार में कुल मिलाकर 8,014 एक्टिव मामले बचे हैं। शिक्षकों के वेतन के लिए 1,512 करोड़ रुपयों की मिली स्वीकृति। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत बिहार के शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राज्य सरकार ने पैसों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत बिहार सरकार ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 1,512 करोड़ 94 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं। बिहार के पंचायती राज और नगर निकाय अंतर्गत संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों और उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षक एवं प्रधान अध्यापकों के रूप में कार्यरत 2,74,681 शिक्षकों को भुगतान किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा मुहिम के PAB की बैठक में 74,23,80,96,000 का बजट स्वीकृत किया गया था। पिछले साल में भारत सरकार की तरफ से SSA के तहत केंद्रीय सरकार की तरफ से राशि कम उपलब्ध होने के कारण राज्य की मदद से यह राशि स्वीकृत की गई थी। NOU के तकनीकी परेशानी ठीक करते ही अब BAMA समेत अन्य कोर्स के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं छात्र। नालंदा खुला विश्वविद्यालय ने पोर्टल साइट की तकनीकी खराबी को ठीक करने का दावा कर दिया है, जिसके बाद अब आसानी से BA, BSc, BCom, BCA, BBA, MA, MSc, MCom, MCA, MLIS पाठ्यक्रम के लिए 2020 की वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित, सेल और निष्कासित छात्र ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए परीक्षार्थियों को 9 नवंबर तक का समय दिया गया है। हालांकि
पोर्टल साइट में तकनीकी खराबी के कारण परीक्षार्थी फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। दैनिक भास्कर की तरफ से प्रकाशित किए गए खबर के बाद प्रशासन ने दूसरे दिन ही तकनीकी खराबी को ठीक करवा दिया ताकि छात्रों को सहूलियत हो सके और किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आपको बता दें, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर संजय कुमार की तरफ से 14 अक्टूबर को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। दूसरे चरण के चुनाव में पर्चा नहीं मिलने पर भी कर सकते हैं वोट। वोटिंग के दिन अगर आपके पास मतदान का पर्चा नहीं है तो आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटिंग कार्ड से भी आप वोट आसानी से डाल सकते हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को 11 तरीकों के विकल्प पेश किए हैं जिससे वो आसानी से बिना पर्ची के भी वोट डाल सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के पहचान पत्र, फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटो लगे पेंशन दस्तावेज, सांसद, विधायक या एमएलसी की तरफ से जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड की मदद से भी वोट दिया जा सकता है। डीआरडीओ ने जूनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च एसोसिएट के पदों पर निकाली रिक्तियां। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जेआरएफ और आरए के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत कुल 21 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी जिसके तहत जूनियर रिसर्च फेलो के 18 पद और रिसर्च एसोसिएट के 3 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर लॉग इन करना होगा। इन पदों की आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है जो कि 2 जनवरी 2021 तक जारी रहेगी। आपको बता दें, इन पदों पर आवेदन के लिए जीआरएफ के पोस्ट के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में पीएचडी होना अनिवार्य होगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राजकमल झा की। राजकमल झा का जन्म भागलपुर बिहार में हुआ था और उनका लालन पालन कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुआ था जहां वो स्कूल जोसेफ कॉलेज में गए थे। फिर उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में भाग लिया था जहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऑनर्स के साथ अपनी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्राप्त की थी। वो IIT में अपने तीसरे और चौथे वर्ष में कैंपस पत्रिका अलंकार के संपादक थे जहां एक भारतीय समाचार पत्र के संपादक और उपन्यासकार है। वो वर्तमान में इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने 5 उपन्यास भी लिखे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह ने दुनिया को कहा अलविदा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सतीश प्रसाद सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली के अस्पताल में करवाया जा रहा था। वहीं बीते दिन उन्होंने आखिरी सांस ली है। मिली जानकारी के अनुसार सतीश प्रसाद सिंह COVID-19 की चपेट में आ गए थे जिसके बाद ही उनका इलाज चल रहा था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और शोषित समाज दल के नेता सतीश प्रसाद सिंह 87 साल के थे। आपको बता दें, सतीश प्रसाद सिंह के नाम बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। वो महज 5 दिन के लिए 1968 में मुख्यमंत्री बने थे। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में 3 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 3 नवंबर की ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिसकी शुरुआत 1933 से हुई थी। 1933 में अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का जन्म हुआ। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ था। 1948 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया। 2000 में भारत सरकार द्वारा DTH प्रसारण सेवा की शुरुआत सभी के लिए की गई। रामविलास पासवान के गुजर जाने की न्यायिक जांच की उठी मांग। रामविलास पासवान के गुजर जाने पर अब राजनीति शुरू हो गई है। इसी क्रम में बिहार चुनाव के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री और लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के गुजर जाने की न्यायिक जांच कराने की मांग की है जिसके तहत उन्होंने लिखा है कि देश के बड़े नेता और आपके मंत्रिमंडल के सदस्य रहे रामविलास पासवान जी कुछ दिनों पहले हम लोगों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। उनके गुजर जाने से पूरे देश में शोक की लहर है। आज भी हम जैसे उनके प्रशंसक उन्हें याद कर दुखी हो जाते हैं, परंतु पूरे देश के दुख से अलग लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान उनके अंतिम संस्कार के दूसरे दिन ही एक शूटिंग के दौरान ना केवल हंसते मुस्कुराते दिखाई दिए बल्कि कट टू कट शूटिंग की बात भी करते देखे गए जिसके बाद अब चिराग पासवान को कई सवाल कटघरे में खड़ा करता है। इसीलिए अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों रामविलास पासवान जी का मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं थी। 3 और 4 नवंबर को राहुल गांधी सीमांचल में भरेंगे चुनावी हुंकार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज से अपनी चुनावी सभा की शुरुआत करने वाले हैं जिसके तहत वो आज और कल यानी कि 3 और 4 नवंबर दोनों को बिहार में जनसभाओं को संबोधित करेंगे जिसके तहत राहुल गांधी अपने संबोधन की शुरुआत सीमांचल के क्षेत्रों में करेंगे। 3 नवंबर को वो किशनगंज और कटिहार में चुनावी सभा करेंगे जबकि 4 नवंबर को रैली और मधेपुरा में उनके चुनावी सभा होगी। 3 तारीख को ही राहुल गांधी बिहार में रुक सकते हैं। राहुल गांधी के साथ मंच पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी
यादव के साथ होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 3 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण का मतदान भी होना है। पिछली बार पहले चरण के मतदान के लिए भी राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। लालू के जीवन यात्रा पर जदयू ने जारी की वेबसाइट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले जदयू ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिसमें लालू यादव पर आरोप लगाए गए हैं। वेबसाइट में लालू यादव के गांव फुलवरिया से लेकर होटवार की यात्रा को विस्तार से बताया गया है। मंत्री नीरज कुमार और जदयू नेता अजय आलोक ने इस वेबसाइट को लॉन्च किया। इस वेबसाइट का नाम फुलवरिया से होटवार रखा गया है। आपको बता दें, लालू यादव के फुलवरिया के शुरुआती जीवन, फिर उनका राजनीति में प्रवेश, राजनीति में रहते घोटाले, परिवार को बढ़ावा, चुनावी मैदान में उतरने पर प्रतिबंध और अंत में रांची के होटवार में जाने की प्रक्रिया और पूरी यात्रा लिखी गई है। यह सभी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी सभा में पूरे बिहार को फिर से बताया अपना घर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से चुनावी सभा को संबोधित करने बीते दिन पहुंचे थे, जिसके तहत उन्होंने मधेपुरा के बिहारीगंज की चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम आगे भी आपकी सेवा करेंगे, बिहार का विकास करेंगे, हमारा धर्म है आपकी सेवा करना, पूरा बिहार ही हमारा घर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि विरोधी कुछ भी कहे और कुछ भी बोलते रहते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। आप सब काम करने का मौका दीजिएगा, आगे भी खूब विकास होगा। हमें जो बिहार में काम करने का मौका मिला तब क्या स्थिति थी, लेकिन हमने हर क्षेत्र में काम किया, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर काम नहीं हुआ है। आप सब एक बार और मौका देंगे तो बाकी बचा काम भी बिहार में पूरा करवाया जाएगा, यह हमारा वादा है। तेजस्वी यादव ने अपनी जनसभा में चिराग पासवान के लिए चुटकी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिन सहरसा जिले के महिषी के बलुआहा स्थित लहटन चौधरी इंटर महाविद्यालय के प्रांगण में पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने राजद प्रत्याशी डॉक्टर गौतम कृष्णा के समर्थन में एक महती जनसभा को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जनसभा में महिलाओं को 1,000 रुपये वृद्धा पेंशन देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने चिराग पासवान की भी चुटकी ली, जिसके तहत उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद चिराग फिर से भाजपा के साथ मिल जाएंगे, यह बस राजनीतिक स्टंट है। वहीं फिलहाल एनडीए से बाहर चल रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव से पहले कांग्रेस और राजद के कई नेता भी लोजपा और भाजपा के मिलीभगत की बात कह चुके हैं। तेजस्वी यादव की सभा में आई भीड़ पर चंद्रिका राय ने साधा निशाना। तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक के बाद एक जनसभाओं का संबोधन करते देखे जा रहे हैं। वहीं उनके जनसभाओं में भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखने को मिलती है, जिस पर अब जदयू नेता और लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय ने निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने पूछा है कि यह जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो ये बताएं पैसा कहां से लाएंगे। बात रही चुनावी सभाओं में भीड़ की, तो मैं बता दूं कि मैं भी पिछले बार लोकसभा में राजद की तरफ से खड़ा था और तेजस्वी की सभा में इतनी ही भीड़ होती थी कि गली मोहल्ले कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं रहती थी, लेकिन मैं पहली बार ही जीवन में 8,000 वोट से हार गया। भीड़ वोट का पैमाना नहीं है। तेजस्वी यादव की तरफ से 10 लाख नौकरी देने के वादे पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने ऐसे ही बक दिया है, मैं भी ऐलान कर देता हूं कि 11 लाख नौकरी दे दूंगा, आप मुझे मुख्यमंत्री बना ले, लेकिन ऐसा होने वाला है क्या। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बौखलाने की कही बात। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर बीते दिन एक पत्र जारी किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि बेटा होने के नाते मैंने अपनी सूझबूझ से सबसे बेहतर ध्यान दिया और पापा के गुजर जाने के बाद पार्टी की जिम्मेदारियों को भी पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। दरअसल चिराग पासवान पिछले दिनों एक वीडियो के तेजी से ट्रेंड करने के कारण लगातार निशाने पर है, जिसमें वो पिता के गुजर जाने के बाद फोटो शूट करते देखे गए हैं। जिसके बाद चिराग पासवान ने ट्वीट करके लिखा है कि मात्र 7 निश्चय की जांच की आज से खलाए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निजी निशानेबाजी पर आ गए हैं। पापा के नहीं रहने पर उनके चिंता देखकर ताज्जुब होता है। 7 निश्चय की जांच और मुंगेर कांड से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर बात करने से घबराते हैं साहब। पूर्णिया के वाईसी में गर्जे ओवैसी। तीसरे और आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार में सभी दल ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता लगातार विभिन्न क्षेत्रों में रोड शो, नुक्कड़ सभा कर लोगों को पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करते देखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने भी जेडीएसएफ समर्थित उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसी कड़ी में पूर्णिया के बायसी विधानसभा क्षेत्र में ओवैसी ने जनसभा का संबोधन के दौरान उन्होंने लोगों से जेडीएसएफ की सरकार बनाने की अपील करते हुए कहा कि जब बायसी से एआईएमआईएम के उम्मीदवार सैयद रुकनुद्दीन जीत कर पटना आएंगे तो यहाँ की समस्याओं को लेकर वहाँ के लोगों से आंख में आंख डालकर बात करेंगे। इसी के साथ उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने सब्जी की कीमत पर चर्चा की, साथ ही 3 तलाक बिल जैसी बातों को भी केंद्र और राज्य सरकार की साजिश करार दिया है।
कांग्रेस ने नीतीश का घर जलाकर चिराग को बुझाने की कही बात। कांग्रेस ने एक बार फिर से लोजपा और भाजपा की मिलीभगत होने की बात कही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने विधानसभा चुनाव में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के पीछे भाजपा का हाथ होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस चिराग के जरिए अपना घर रोशन करना चाहती है और नीतीश कुमार के घर को जलाना चाहती है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी सवाल किया है कि अगर चिराग पासवान को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं है तो फिर उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से बाहर अभी तक क्यों नहीं निकाला गया। इसके साथ ही उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में एनडीए का समय होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भाजपा जदयू गठबंधन सरकार से लोग परेशान हैं और परिवर्तन चाहते हैं। बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने 3 रैलियों को किया संबोधित। बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी रण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। इसी क्रम में बीते दिन उन्होंने 3 रैलियों का संबोधन किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने वाल्मीकि नगर प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय से की, जिसके बाद वो रक्सौल विधानसभा साथ ही साथ सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां पहुंचकर योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर खूब निशाना साधा, जिसके तहत तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के नाम पर उन्होंने तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हुए कहा कि कोई इनसे पूछे कि वो इतनी नौकरियां कहां से लाने वाले हैं। इतना ही नहीं, अपने सभा के दौरान उन्होंने पुलवामा से लेकर अभिनंदन तक का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस राजद की तरफ से देश को मजबूर करने की बात भी कही। वहीं उन्होंने गर्व से कहा कि अब मोदी सरकार के राज में पाकिस्तान की संसद में भी भारत का खौफ साफ तौर पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील की। श्रमिक बंधु ऐप की मदद से प्रवासियों और दिहाड़ी मजदूरों का नौकरी ढूंढना होगा आसान। कोविड-19 संक्रमण के माहौल में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। भारत में भी कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में रोजगार की स्थिति पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब देश में लगभग 40 मिलियन से ज्यादा लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ गया है। वहीं कंपनियां भी आजकल कर्मचारियों की संख्या में कटौती करती नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों ने फिर से काम की तलाश शुरू कर दी है और इसमें उनकी मदद के लिए श्रमिक बंधु ऐप को लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि इसमें किसी एक कैटेगरी नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, अस्पताल, परिधान, चमड़ा, विद्युत, स्टील, मोबाइल सेक्टर जैसी कई कैटेगरी शामिल है। इनमें श्रमिक और दिहाड़ी, कारपेंटर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, डोमेस्टिक हेल्प, गार्डनर और ड्राइवर आदि की नौकरी सर्च कर सकते हैं। ईशान किशन के अवार्ड के साथ शेयर की गई तस्वीर पर मिस इंडिया ने किया रिएक्ट। बिहार से निकले खिलाड़ी ईशान किशन ने शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 72 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद मुंबई इंडियंस को शानदार जीत दिलवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। ईशान ने शानदार 72 रनों की पारी के दौरान कुल मिलाकर 8 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए। मुंबई की जीत में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी मिला। मैच के बाद शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की जो काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही है। वहीं ईशान ने इस तस्वीर पर फेमिना मिस इंडिया अदिति हुंडिया ने भी रिएक्ट किया है और कमेंट किया है, जिसकी चर्चा क्रिकेट फैंस खूब कर रहे हैं। अदिति ने कमेंट में ईशान को वेल्डन लिखा है, साथ ही एक दिल का इमोजी भी शेयर किया है जो खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मुकेश खन्ना के मीटू वाले बयान पर भड़के दिव्यांका त्रिपाठी और सोना महापात्रा। मुकेश खन्ना कई दिनों से अपने बयान के लिए लगातार सुर्खियों में बने हुए। वहीं हाल ही में उन्होंने मीटू मूवमेंट को लेकर एक बयान दिया है, जिसकी वजह से उनकी आलोचना हर जगह हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर फैल रहा है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीटू मूवमेंट तब से शुरू हुआ क्योंकि महिलाएं खुद को पुरुष के बराबर समझने लगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का कर्तव्य घर का ध्यान रखना है, जिसके बाद बॉलीवुड सिंगर सोना महापात्रा और दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है कि यह मंदबुद्धि है। सबसे बड़ी दुख की बात यही है कि ऐसे सोच वाले लोग हमारे आसपास मौजूद है। वहीं दिव्यांका त्रिपाठी ने लिखा कि कितना पुराने ख्यालों वाला और पीछे ले जाने वाला बयान है, यह सब ऐसे सम्मानित लोग ऐसे बयान देते हैं तो यह बेहद गंभीर बात है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,980 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,980 रुपए था। इसके साथ ही चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है जयप्रकाश कुमार, सुशील कुमार, बबलू कुमार, प्रिंस राज, नीतीश कुमार, उजाला चौधरी, सूरज कांत कुमार, सुनील कुमार, अमर बिहारी, अशोक कुमार, श्रवण सिंह, नंदकिशोर यादव, हरेश्वर गुप्ता, मृत्युंजय कुमार, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, अमित मंगल, अजीत
अंजलि मेहता, सुबोध कुमार, रुपेश कुमार, उत्तम कुमार, संजीव यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आज के 25 बड़ी खबरों में से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।